Dearly beloved brothers and sisters, according to Isaiah 63, the Lord is going to bless you. प्रिय भाइयों और बहनों, यशाया 60 चंद 3 के अनुसार से परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। The Lord says, nations will come to your light and the kings to the brightness of your rising. यहाँ लिखा है, अन्य जातियाँ तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। In Matthew 5:14, our Lord Jesus Christ says, "You are the light of the world." मत्ती 5:14 में हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, "तुम जगत की ज्योति हो." For you to be the light of the world, Jesus Christ, the Son of Righteousness, will have to rise upon you. और इसलिए कि आप जगत की ज्योति बनें, परमेश्वर के उस धर्म के सूर्य यीशु को आप पर उदित होना होगा। How is this possible? ये कैसे संभव है? As in Psalm 34:5, जैसा हम भजन 34 वचन 5 में देखते हैं, Those who look upon God, their faces are never covered with shame, but then they are radiant. जो परमेश्वर की ओर निहारते हैं, उनके मुंह जो हैं वो काले नहीं होते हैं, लेकिन वो दैदीप्यमान या रोशन हो जाते हैं। The Son of Righteousness, Jesus, will rise upon you today. आज ही प्रभु यीशु मसीह, जो धर्म का सूर्य है, आप पर उदित होगा। How will he rise upon you? वो आप पर कैसे उदित होगा? Jesus clearly says in John 14:21. योहन्ना 14 वचन 21 में यीशु स्पष्ट कहते हैं, When we keep the commandment of Jesus and love the Lord, Jesus will manifest himself upon us. जब हम यीशु की आज्ञाओं को मानेंगे और प्रभु से प्रेम करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह की जो ज्योति है, वो हम पर चमकेगी। He will appear to you sometimes. कई बार वो आप पर प्रकट होंगे। When we look at the face of Jesus, our faces become radiant. जब हम यीशु के चेहरे को देखते हैं, तो हमारे चेहरे जो हैं, वो भी दैदीप्यमान हो जाते हैं। And when others look at our face, they will say, "There's something different in your face." और जब दूसरे हमारे चेहरों को देखेंगे और कहेंगे कि आपके चेहरे में कुछ तो फर्क है। Likewise, when Moses was waiting upon the Lord for 40 days and nights. वैसे ही जैसे मूसा 40 दिन और रात तक यहोवा का इंतजार and करता he went रहा। To the mountain and waited upon the Lord. जब उस सिनै पर्वत पर गया और परमेश्वर यहोवा की बाट जो रहा था। The Lord spoke to him and gave him 10 commandments. तब यहोवा परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसे 10 आज्ञाएं दी। And when Moses came down to meet the people of Israel. और जब मूसा इसराइल के लोगों से मिलने के लिए पहाड़ से नीचे आया, People were so afraid of him. लोग जो थे उससे बहुत डर रहे थे। They could not see the face. They could not look at the face of Moses. क्योंकि वो मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। Moses' face was so radiant. मूसा का चेहरा इतना ज्यादा चमक रहा था। And because of that, Moses had to cover his face. और उस कारण से मूसा को अपने चेहरे को ढांपना पड़ा। The Lord can give us so much brightness in our face. हमारे चेहरे में प्रभु जो है इतनी ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। The Sun of Righteousness will shine upon you also today. आज ही वो धर्म का सूर्य आप पर भी चमकेगा। For that we have to long for the presence of God. और उसके लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति की चाह रखनी होगी। Moses longed to sit at the feet of God. मूसा परमेश्वर के पांव तले बैठने की चाह रखता था। In Philippians 3:10, Paul also longed to be at the feet of God. फिलिप्पी 3:10 में हम देखते हैं कि पौलुस भी प्रभु के चरणों में बैठने का इच्छुक था। He said, "I want to know Christ and His resurrection power." उसने कहा कि मैं मसीह और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूँ। When we sit at the presence of God, the Lord fills us with His character. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने चरित्र से भर देते हैं। And we show Jesus to others. और हम औरों को यीशु को प्रकट करते हैं। The beautiful thing in this world is the character of Jesus Christ.
और इस संसार में खूबसूरत चीज है प्रभु यीशु मसीह का चरित्र या उसके गुण। When we are full of the light of the Lord, जब हम प्रभु की रोशनी से भरपूर होते हैं, the Lord fills us with the fruit of the Holy Spirit. तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा के फलों से भर देते हैं। We will be filled with all the 9 fruits of the Lord Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह के उन सारे 9 फलों से जो है भर जाते हैं। Because of the character of the Lord Jesus Christ in us, people will be pulled and drawn towards us. और हम में प्रभु यीशु मसीह के उन गुणों के कारण से लोग जो हैं हमारी ओर आकर्षित होंगे और हमें देखेंगे। People experience the same presence of God in all the prayer towers of Jesus calls. और लोग जो हैं यीशु मसीह के इस उपस्थिति का एहसास हर एक प्रार्थना भवन में करते हैं। I want to share a testimony of dear brother Kumar Raj. मैं एक प्रिय भाई कुमार राज की गवाही को अभी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। For past 3 years, he was under the possession of the evil spirit. पिछले 3 वर्षों तक वे दुष्ट आत्मा के द्वारा पूरी तरह से ग्रसित थे। Without his knowledge, he used to beat his wife. और अपने ज्ञान के बगैर वे अपनी पत्नी को बहुत मारा करते थे। He will curse his wife. वो अपनी पत्नी को श्राप और गालियां देते थे। He will all the time doubt his wife and say so many bad words. वो हमेशा अपनी पत्नी पर शक करते और बहुत सी गंदी गंदी बातें उसे कहा करते थे। Likewise, he used to torture his wife every day. और ऐसे ही प्रतिदिन वो अपने पत्नी के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। He was prompted by the evil spirit to do that. और दुष्ट आत्मा जो थी उन्हें ऐसा सब करने के लिए प्रेरित करती थी। So they lost their peace in the family. और इस तरह उनके परिवार में शांति जाती रही। At that time, he was brought to the Jesus Calls prayer tower. और उस समय उन्हें यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन में लाया गया। While prayer intercessor was praying for him. और जब प्रार्थना योद्धा उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, he just fell down. वो बस नीचे गिर गए। He saw a single ray of light passing through him. और उन्हें देखा कि एक बड़ी रोशनी की किरण जो है उनके अंदर से होकर गुजर गई। At that moment, some evil spirit went out of his body. और उसी घड़ी उनके शरीर से एक दुष्ट आत्मा जो थी बाहर निकल गई। Till now, he says, I don't have the feeling of the evil spirit in me. और अब वो कहते हैं कि आज तक मेरे अंदर में उस दुष्ट आत्मा का मुझे कोई एहसास नहीं होता। Today he is filled with the love of Jesus. आज वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरे हुए हैं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Now he is continuously coming to the prayer tower. और अब वे निरंतर प्रार्थना भवन में आते रहते हैं। And attending all the meetings which is held there. और वहाँ जितने भी सभाएं होती हैं उन सब में वो शामिल होते हैं। And he is leading a peaceful family life. और एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन वो दोनों मिल करके जी रहे हैं। The same light will come upon you too. वही रोशनी आपके जीवन में भी आएगी। And you will bring nations to yourself. और आप अपने पास देशों को राज्यों को लेकर आएंगे। That light which is in you will bring the kings of the nations to you. जो रोशनी वो ज्योति आपके अंदर में है वो आपके लिए राजाओं को लेकर आएगी। Arise, उठ खड़े हो। Let the light of the Lord shine upon you. प्रभु की ज्योति आपके ऊपर में चमकने लगे। Father, as you have promised today, Lord, let your light shine upon your children. पिताजी जैसे आपने प्रतिज्ञा की है आज आपकी रोशनी आपका प्रकाश आपके बच्चों पर चमके। Lord, just as you have said, as nations will come to them. प्रभु जी जैसा आपने कहा है कि राज्य राज्य उनके पास आएंगे। Kings will come to them. राजा जो है उनके पास आएंगे। Let it happen, O God. ऐसा ही होने दें परमेश्वर। It's enough they have been put down. पर्याप्त हुआ कि वो नीचे दिखाए गए। Let them be lifted up to the higher platform. होने दें कि वे ऊंचे मंच पर स्थापित किए जाएं। Let kings be their friends, O God. और राजा जो है उनके मित्र बन जाएं परमेश्वर। And let them be seated in the high place. वे ऊंचे पदों पर ऊंचे स्थानों पर आसीन किए जाएं। And let your glory come upon them, Lord.
आपकी महिमा उनके ऊपर आ जाए प्रभु। Let your glorious presence shine upon them, Lord. आपकी महिमा में उपस्थिति उनके ऊपर में चमकने लगे प्रभु जी। Let their faces become radiant. उनके चेहरे जो है वो दैदीप्यमान हो जाए। Lord, in your presence, no evil spirit can stand, O God. ओ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में कोई दुष्टात्मा स्थिर नहीं रह सकती। Let all the evil spirit leave in Jesus' name. हर एक दुष्टात्मा यीशु के नाम में जाती रहे। Let the demons leave. और शैतान जो है जाते रहे। Let the witchcraft powers leave. जादू टोने की शक्तियाँ जो है जाती रहे। Let all the magic tricks which were put upon them leave in Jesus' name. हर एक जादू टोने जो उनके खिलाफ में किए गए यीशु के नाम में छोड़कर चले जाएं। Deliver your people, Lord. पिताजी, आप अपने लोगों को छुटकारा दें। Deliver them, Lord. उन्हें छुटकारा दें। On the other hand, let them bring nations to them. और उसके बदले होने दें कि वे राज्यों को अपने पास ले आएं। Let the kings be brought to them in Jesus' name. यीशु के नाम में राजा उनके आरोहण के लिए आएं। Thank you for lifting up to a higher place. धन्यवाद कि आप उन्हें ऊंचे स्थानों पर और भी ऊंचा कर रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। Lord, let your presence go with them and make every crooked path straight. उन्हें दें प्रभु, आपकी उपस्थिति उनके साथ जाए और हर एक टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।